proceed with our lesson, power sharing. Today we are going to proceed with the topic majoritarianism in Sri Lanka. Now, what happened? We have read earlier how Belgium and Sri Lanka had different type of people living in it and how the power was distributed among them. Now, we'll read further. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. So, independence kam mili thi Sri Lanka ko 1948 mein Sri Lanka ek independent country ban gaya tha. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. We have read ki sabse zyada kya log, kaun se log rehte the wahan? Sinhala log rehte the. To jab desh azad hua to पावर किसके हाथ में गया? सिन्हाला कम्युनिटी के हाथ में गया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, इसीलिए उनके हाथ में वहाँ की सत्ता गई. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. अब क्या हुआ, क्योंकि सिन्हाला के हाथ में पावर था, वो मेजॉरिटी में थे, तो वो हर चीज़ अपनी कम्युनिटी के लिए करने लगे. मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ में थे, जिस उसको फॉलो करते थे, आई शुड से रिलीजन एंड ऑल, उसको वो फेवर करने लग गए. सिन्हाला को फेवर करने लग गए किसी भी चीज़ में आए, चाहे वो जॉब में हो, चाहे किसी भी फैसिलिटी के लिए कोई भी अगर आगे आता था तो वो सिन्हाला को फेवर करती थी गवर्नमेंट. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. अब उन्होंने क्या किया, भाई वहाँ तो तमिल बोलने वाले भी थे, बट उन्होंने सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान दिलवा दी. हर देश की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है तो यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट कई लैंग्वेजेस को तो ये पावर नहीं है, पर बहुत सारी लैंग्वेजेस को हमने जो है अपनी रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है. ठीक है, सो वैसे श्रीलंका में दोनों ही बोलने वाले थे, सिन्हाला बोलने वाले थे, तमिल बोलने वाले थे, बट हुआ क्या, ओनली सिन्हाला बोलने वालों को जो है ये राइट मिला कि उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, मान्यता दे दी. दस दिस रिगार्डिंग तमिल, तो उन्होंने ऐसा करके क्या किया, तमिल्स का डिसरिस्पेक्ट हो गया, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला. ना गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि सिन्हाला लोगों को फेवर करती थी, उनके पक्ष में होती थी. एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, कहाँ कहाँ जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे लोग, और जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की पोजीशंस आती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में परसेंटेज देखे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, सिन्हाला को प्रायोरिटी दी जाती थी, दैट वाज स्ट्रांग. इससे क्या होता था, तमिल्स के साथ इनजस्टिस होता था. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट कर दिया गया, एक नया जोड़ दिया गया कानून कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको फेवर किया जाएगा, बुद्धिज्म को बढ़ाया जाएगा. वी डिस्कस द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट फेवर द बुद्धिस्ट. नाउ दिस वाज रॉन्ग, बुद्धिस्ट को फेवर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना. ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे, जितने भी गवर्नमेंट कानून बना रही थी, जो भी गवर्नमेंट उपाय ला रही थी, उसमें वो क्या कर रही थी, सब जगह ही वो सिन्हालास का फेवर देख रही थी कि कहाँ उनको फ़ायदा है और उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही थी. ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. इससे क्या हुआ, श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उनके अंदर अलगाव की भावना बढ़ने लग गई, उनमें ये डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग बढ़ने लग गई. सो द डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज
गवर्नमेंट्स बनेंगी, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाए, वो सनालास का ही फेवर लेंगी और वो जो तमिल्स हैं उनके लिए कुछ भी संवेदना भावुकता नहीं रखेंगी, वो उनके लैंग्वेज और कल्चर जो है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी, उनकी संस्कृति का ध्यान नहीं रखेंगी। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए थे, उनको ये होने लगा था कि भाई इस तरह से तो हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उनको ऐसे लगना लगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो संविधान में लिखा हुआ है, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो उनको ये लगने लगा था कि जो श्रीलंका का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें उनके अधिकारों को कोई भी मान्यता नहीं दी गई है, नकार दिया गया है तमिल्स को, ऐसा तमिल्स को महसूस होने लगा था। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। उन्हें ये भी लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके बहुत भेदभाव पूर्वक बनाया गया है, तमिल्स और सिंहलाज में बहुत भेदभाव रखता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसमें जो रूल्स हैं वो इनके बहुत खिलाफ हैं, और इनके जॉब लेने पे और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरे अवसर जो विकास के अवसर होते हैं वो इस जगह पे तमिल्स को इग्नोर कर दिया जाता है, इस तरह से संविधान को बनाया गया है। इनके जो हित है, इंटरेस्ट है, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखे गए हैं। कुल मिला के उनको ये डर लगने लगा था कि हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं, हमारा अस्तित्व यहाँ पे सेफ नहीं है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हालास एंड द तमिल्स तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। समय के साथ क्या हो गया कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर, तमिल्स
refugees and many more lost their livelihood. कई तो refuge करके यानी refugees होते हैं शरणार्थी बनके दूसरे देशों के अंदर शरण मांग के वहाँ पे चले गए और कईयों को अपनी आजीविका कमानी थी livelihood जीना था क्योंकि वो उनके लिए कोई रोजगार नहीं था तो जीते कैसे इसलिए उन्हें दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ा जहाँ की वो जाके कुछ कमा सके अपनी livelihood जी सके तो इस तरह से काफ़ी फैमिलीज को तो श्रीलंका छोड़ देना पड़ा. यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th. ये आपके 10th की ही इकोनॉमिक्स की बुक में भी इसका आएगा जिक्र आएगा. अगर आपने पढ़ लिया है देन इट्स गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे. अबाउट द श्रीलंकन्स एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया था आफ्टर द ब्रिटिशर्स हैड गॉन. उन्होंने अपनी कंट्री को काफ़ी डेवलप किया था इन ऑल द फेजेस एजुकेशन हेल्थ एवरीवेयर. बट द सिविल वॉर हैड कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक. बट सिविल वॉर होने से क्या हुआ सारा डेवलपमेंट जो था उनका वो रुक गया उसको एक धक्का लग गया एक सेटबैक लग गया टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. तो इससे क्या हुआ न तो सोशली डेवलप हुआ न कल्चर ही डेवलप हुआ न इकनॉमी ही डेवलप हुई पूरी तरह से कंट्री पिछड़ गई जो कि काफ़ी आगे चल रही थी बट सिविल वॉर की वजह से काफ़ी सेटबैक लगा और वो काफ़ी पिछड़ गई उनका प्रोग्रेस जो था वो रुक गया. सो टुडे वील वाइंड अप हेयर ओनली. फाइन यू डू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड गो थ्रू द लेसन अगेन. आपके पास PDF भी है आपके कईयों के पास बुक भी है. इट्स बेटर टू परचेज बुक. अगर नहीं किए तो अब तक कर लीजिए.